और बहुत इंपॉर्टेंट फेस है मेरी लाइफ का सो आई विल टेल इट देन थोड़ा सा अगर ब्रीफ अगर आप ब्रीफली बता सके या क्रिएटिंग मोर सस्पेंस नो नो नॉट सस्पेंस मतलब आई वांट टू एक्सप्लेन इट मतलब अभी ये वक्त नहीं है वो सब बात करने का तो आराम से बताऊंगा राइट नेक्स्ट अ हनी हाय अ क्वेश्चन फॉर यू ऑफ कोर्स अ यू नो योर करियर इज गोइंग ग्रेट गंस एंड इट कंटिन्यूज टू डू सो एज अ म्यूजिक कंपोजर एंड समवन हु मेक्स म्यूजिक अ what prompted ahani singh to turn to acting, you know, considering we've seen uh, 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 musical sensations over the past who've taken up uh, acting assignments and their musical careers have come to a standstill. so was that somewhere the apprehension or did that thought ever come to your mind? the thing is, is uh, uh, as far as myself is concerned, i don't consider myself just in a rapper or just a singer. i'm a music producer, lyricist. Uh, i'm a poet. i'm a singer as well rapper as well so and uh, acting is also a part of big entertainment so i call it myself an entertainer so that's the only thing which is left acting so i just i really want to learn acting because i feel it's very tough job you know to portray someone else's character and to behave like that on screen it's really tough it's really hard so i always wanted to learn and i, I i'm thankful to pdc who gave me this opportunity to do this movie and i learned a lot in this movie how to do acting यू नो और आई बिलीव कि काम कर कर के काम सीख सकते हैं ऐसे कोई इंस्टीट्यूट में जाके नहीं आप सीख सकते तो म्यूज़िक भी मैंने ऐसे ही बना बना के काम कर कर के ही सीखा है इम्प्रूव हुआ धीरे धीरे कैसे कैसे करते करते म्यूज़िकल मेरा लेवल बहुत बढ़ा तो उसी तरह मुझे लगता है कि एक्टिंग भी कुछ कुछ अगर मेरे को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे मैं कुछ भी कर लेता हूँ ऐसा नहीं इससे पहले ये ये स्टोरी बहुत बढ़िया थी और एज अ लीड मुझे लिया जा रहा था तो मैं थोड़ा और सीरियस हुआ इससे पहले एक दो अटैम्प्ट मैंने और किए वो ऐसी फ़न के लिए

तो सोना जरूरी है और एक शहर में रहना जरूरी है ज़्यादा वक्त तक तो मेरे को था कि हाँ एटलीस्ट हम शूटिंग करेंगे तो एक सवा महीने एक शहर में तो टिकने को मिलेगा कम से कम तो वो सबसे बड़ा रीजन था तो वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ फिल्म की स्टोरी सबसे बड़ा रीजन थी So किस आपको किसी ने टिप्स दिए थे बताया नहीं था बल्कि मेरे को सब पूछ रहे थे तो मैं कहा मैं ऐसे कुछ शूट करने जा रहा हूँ किसी को बताया नहीं था लेकिन सबको पता लग गया था की मैं एक पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ तो सब सब लोग अप्रिशिएट करते हैं सब लोग सब पता है इनफैक्ट शाहरुख भाई से भी उस दिन बात हो रही थी वो बोल रहे थे कि उनको भी दिखाया मैंने ट्रेलर फोन पे जब हम लोग अवार्ड्स पे मिले थे तो एवरीबडी इज़ इनकरेजिंग मी कि बढ़िया करी जाओ ओके हनी सिंह आपको कितना टाइम मतलब कितने दिन की शूट थी आपकी एंड इज इट दैट कि थोड़ा शूट डिले हुआ था बिकॉज ऑफ यबसेंस कुछ ऐसा कुछ था सर नहीं नहीं सिर्फ एक दो दिन का क्लाइमेक्स का स्केड्यूल था जो रह गया था जो मैंने आ, फिर बीच में कंप्लीट किया उसको बाकी सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका था

Hi, honey. Hello, uh, congratulations for the trailer. Uh, The trailer. trailer looks amazing. क्या चीजें शॉर्ट हो गई हैं? नहीं ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पहली बार सुना ये नया नया आ रहा <laughs> 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 है ये क्या ये तो कहीं नहीं सुना आपके और शाहरुख की जो टहसिल की न्यूज आई थी रिलेटेड है ये, कभी भी नहीं है ऐसा। उनसे तो बहुत अच्छे रिलेशन। शाहरुख भाई से मिला अभी तकरीबन डेढ़ साल बाद <laughs> पे लोग मिले थे मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तब करीम भाई सब मोहम्मद सब लोगों के घर पे फोन आते थे कि कैसा है कैसा

इस हाँ। फिल्म में तो म्यूजिक भी देता है इस फिल्म में भी रहे हो हाँ। तो लगता है कि फिल्म जड़ी है वो म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर भी ब्लॉक तरह भी साबित हो सकती म्यूजिकली uh, uh, मुझे लगता है कि मिस्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स uh, ने मुझे पूरी लिबर्टी दी कि स्टोरी uh, के हिसाब से ज़्यादा गानों की जरूरत नहीं थी क्योंकि पूरी फिल्म भाग रही है और इसका स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है तो तकरीबन सिर्फ तीन ही गानों का मौका मिला करने का uh, फिल्म के हिसाब से तो तीन गाने कोशिश करिए कि बहुत अच्छे हैं और म्यूजिकली बहुत अर्बन रखने की कोशिश करिए गाने को जो अभी गाने आ रहे हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है तो एक सवाल पवन जी थे तो को भी है कि रोमांटिक जॉनर फिल्म रोमांटिक कॉमेडी जी है वो पंजाबी सिनेमा में नज़र आदि ने थाना तो लगता है कि लीग तो हट के कुछ अटैम्प्ट जोड़ा उस फिल्म द राही किया जा रहा है यह तो बहुत अच्छी गल है इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी दिस इज माई थर्ड फिल्म और uh, तीनों फिल्म अलग कहानियां अलग तरह दिल्मा है एंड आई थिंक यू एस पी हैगी कि एक तो हनी सिंह एंड दैन एह जी कहानियाँ पी जलिए पंजाब अटैम्प्ट नहीं की जार मैं हमेशा कहना कि पंजाब इज फुल ऑफ स्टोरीज इवन इन बॉम्बे द फिल्म इंडस्ट्री है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाबी है नो you सो know? so, uh, पंजाब में कहानियों की कमी नहीं उस जमीन में बहुत कहानियाँ और uh, अगर जैसे ये फिल्म अगर आप एक्शन देखें जैसे ट्रेलर आप लोगों ने देखा है जिस तरह से जिस uh, भाव के साथ बनाई गई है आई थिंक दिस नो लुकिंग बैक अगर पंजाबी फिल्म और ऑडियंस की कोई कमी नहीं है तो आई आई रियली यू नो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट पीटीसी फॉर टेकिंग दिस स्टेप विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप टू बिगिन विद Alright, cool, thank you so much, ladies and gentlemen, we are running late, so we have to. Yeah, 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 we'll take one last question. Saval, uh, thank you.: Sorry. Not, uh, hello. Yeah. you know your friend Himesh has a film releasing that is Tera surul, and as a part of film promotions, he had many live thank musical man. concerts to promote the film. So would you be having a similar plan to promote your film, having live concert at different places in?: No, India? not. not uh, we haven't think anything like that, but uh, definitely we'll, we'll plan something else. Let's uh, see. Yeah. Honey, uh, last time when we met, Bhushan Kumar, he said that the reason why you are not present for all the music launches that happen is because you are not keeping well. You'd we like to understand what is the exact nature of illness that you are suffering from. I'll tell, tell you. I'll explain it. you later, man. But why not today? Not now, right now. It's, it's a serious topic. He's not yeah. Yeah. He not suffering from. Okay. Uh, you're romancing Parul in the film. I would like to understand what is your brand of romance. Is it the Shahrukh Khan type of romance or the Imran Ashmi type of romance? <laughs> it's a Zorawar kind Zorawal. of romance.

बहुत फर्क होता है जिस किल्ड जवाब विवाब योज